ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सबको सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाला है। सो गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस, इस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए गाइस आप लोगों को जो है दो मॉडल की आपकी जरूरत पड़ेगी, जिनका आप शूट आप गाइस पहले कर लेना, क्योंकि जब आप एडिटिंग करने जाओगे तो आपको इजी रहेगा, तो आप लोग पहले शूट कर लेना। एंड उसके बाद गाइस आपको जो भी मतलब इस वीडियो में जो भी मैं बैकग्राउंड थिंग्स का यूज करूंगा सभी का लिंक आपसे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसलिए वीडियो देखने वाला जगह डाउनलोड कर लेना। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर गाइस आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से आप सभी को पहले अपने पहला जो मॉडल होगा आपको गाइस पहले उसको यहां पे ले आना है, ठीक है। एंड गाइस उसको यहां पे लाने के बाद आपको पहले कुछ स्टेप्स आपके जो विंग्स मैंने जो पीछे परमानेंटली दे रखा बैकग्राउंड में, तो आपको कुछ स्टेप्स आपको अपने मॉडल को उसके पीछे लगाना है। एंड गाइस इसमें जो आपको ज्यादा शेडो बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी पहले से शेडो बना रखी है, तो गाइस आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उसमें भी थोड़ा सा मतलब कि इरेज करते वक्त ये थोड़ा सा पार्ट रह गया, तो गाइस मैं इसको फटाफट इरेज कर लेता हूं, एंड आगे का प्रोसेस है जो मैं आपसे भी बताता हूं। तो गाइस चलते हैं, फटाफट करते हैं। ओके गाइस, सो इतना हो जाने के बाद आपसे कोई फिगर करना है गाइस, आपको मॉडल का साइज कुछ इतना रख देना, मतलब हाइट जो है आपके मॉडल की इतनी रखनी है। एंड इतना करने के बाद आपको सिंपली डन कर देना है। फिर गाइस आपको क्या करना है, आप सभी को जाना है गाइस यहां से ऐड फोटो में, ठीक है। तो ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस जो हमारा दूसरा वाला पीएनजी जो आपको अपनी चेस्ट के ऊपर लगाना है, तो उसको आपको हम ले लेते हैं। एंड गाइस इसको यहां पे लेने के बाद आपको क्या करना है गाइस, इसको यहां पे लाकर डायरेक्ट डन नहीं करना, अभी इसमें थोड़े से चेंजेस करने। उसके लिए पहले आपको जाना है इरेजर टूल में, इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस जो साइज आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है, एंड जो गाइस इसको आपको इरेज करना है साइड से, ठीक है। तो यहां पे गाइस ओपेसिटी हार्डनेस भी कम करनी पड़ेगी हमें, तो यहां पे हार्डनेस ओपेसिटी कम कर लेते हैं एंड साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो एंड इतना परफेक्ट है। अब गाइस यहां पे आपको फटाफट इसको इरेज करना है, ठीक है। साइड से जितना भी एरिया इसको आपको इरेज कर लेना है, ताकि जो ये कि मतलब कि आपका जो टी शर्ट है ना गाइस उससे मैच हो जाएगा। एंड गाइस आप लोग कोशिश करना कि जो आपकी टी शर्ट का कलर होगा वो भी ब्लैक हो, और ब्लैक होगा तो गाइस अच्छे से मैच हो पाएगा उस पर, ठीक है। तो आप लोग को ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनकर ही फोटो को शूट करवाना है। देन गाइस आपको क्या करना है, इतना कर देने के बाद आपको उसको डन कर देना है। फिर गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड गाइस आपको ऐड करना आपका दूसरा मॉडल, ठीक है। तो ये हमारा जो दूसरा मॉडल है गाइस ये कुछ बैठ कर इस टाइप से, तो आपको लेना गाइस, आप चाहो तो ऐसा पोज भी कर सकते हो, ठीक है गाइस, मतलब कि आप कुछ क्रिएटिव अपनी तरफ से भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है वो, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेना है, इरेजर टूल में जाना है, एंड इरेजर टूल में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे फटाफट इरेज कर लेना है। तो हम इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। अब गाइस जितना हो जाने के बाद आप सबको अब क्या करना है, यहाँ पे ओपेसिटी फुल करके आपको सिंपली यहाँ पे आपको जो मॉडल है उसका एक डुप्लीकेट लेना है इसी का, ठीक है। एंड डुप्लीकेट लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको सेम वैसी साइज में रख देना अपने मॉडल को। एंड गाइस इसको यहाँ से आपको लेके जाना ब्लेंडिंग मोड में, ब्लेंडिंग मोड में नहीं, इफेक्ट वाला ऑप्शन में, इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाकर आपको ले जाना है कलर्स में, फिर आपको ब्लैक एंड व्हाइट लेना है, यहाँ पे अमाउंट जीरो कर देना है, एंड इसको कर देना है मर्ज। फिर गाइस आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन लेना है, इसको यहाँ पे सिंपली मर्ज कर देना है कलर आइज में। कलर आइज में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, तो आपसे वो भी कुछ यहाँ पे माइनस प्लस में 10 की तरह मिल जाएगा। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे इरेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, पहले जो हमारे नीचे की तरफ है ना वो आ चुका है कलर, तो हम नीचे का इरेज कर लेते हैं। एंड आप गाइस क्या करना है, आपको यहाँ पे ब्रश लेना है, ब्रश का जो साइज आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद ओपेसिटी हार्डनेस भी चाहो तो आप कम कर लेना यहाँ पे, एंड साइज हम थोड़ा इतना रख लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस आपको सिंपली साइड से ऐसे पेंट करना है, ठीक है, यानी कि आपको एक रिम लाइट क्रिएट करनी है पूरी बॉडी पे, तो हम इसको फटाफट करते हैं। सो गाइस जैसा कि आप सभी देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हमारी रिम लाइट भी क्रिएट हो चुकी है। तो अब गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में जाके इसको गाइस ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आपको ओवरले रख देना है। एंड गाइस आप देख सकते हैं कुछ स्टेप्स आपके बॉडी पे इफेक्ट आ जाएगा। एंड अगर आपको ये कम लगे तो गाइस आप इसका डुप्लीकेट करके एक लगा देना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। एंड इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी ज्यादा हो गई यहाँ पे, तो अब इसको हम थोड़ा कम कर लेंगे, एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है, ठीक है। इतना करने के बाद आप सबको सिंपली डन कर देना है। एंड गाइस इसके बाद आपको सभी को सामने की तरफ जो है गाइस कुछ बेरियल टाइप के लगाने, जैसे कि पाइप जो है ये लगाना है आपको। तो गाइस इसको आपको सेम वैसे ही लगाना है जैसे कि अभी हमने इसमें मॉडल लगाया, तो बस सिंपली आपको क्या करना है गाइस, पहले ये वाली पाइप को लेना है, ठीक है। एंड इसको लेने के बाद आपको पहले तो गाइस आपको अपने फ्रंट के साइड में कुछ स्टेप्स लगाना है। एंड यहाँ पे इरेजर टूल में जाकर हार्डनेस को फुल करके आपको सिंपली ऊपर से इरेज कर लेना है कुछ स्टेप से, ठीक है। एंड उसके बाद आपको नीचे से भी कुछ स्टेप से ही करना है, तो यहाँ पे गाइस आपको सेम चीज़ वही करनी है। तो पहले देखिए गाइस, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे हम इरेजर टूल में जाकर वापस से नीचे से इरेज कर लेंगे।
ठीक है, तो आप इरेजर टूल में जाके इसकी हार्डनेस फुल कर लेंगे। एंड गाइस उसके बाद आपको सेम चीज वही करनी है, एंड इस पे गाइस इफेक्ट डालने के लिए भी जो भी हमने मैंने आपको मॉडल में बताया था वही करना है। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि यार आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके गाइस, सो इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना टूल्स में, फिर जाना एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा शेडो वाला ऑप्शन, आपको सिंपली क्या करना है, शेडो में जाकर आपको उसे शेडो माइनस की तरफ कर देना है। एंड गाइस इरेजर टूल में जाना, आपको यहाँ पे इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आप सबको सिंपली गाइस आपको अपनी बॉडी के ऊपर कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट करना है। इससे क्या होगा कि गाइस आपको जो मॉडल होगा वो गाइस बैकग्राउंड से मैच हो जाएगा, एंड गाइस बैकग्राउंड से मैच हो जाएगा तो आपकी फोटो जो एकदम गजब लगेगी। तो अभी हम इतना कर लेते हैं, एंड बाकी कलर करेक्शन के टाइम तो हम सब कुछ मैनेज कर ही लेंगे, बट यहाँ पे इतना काम करना हमारा जरूरी था। तो अभी हम इसको यहाँ पे डन करते हैं। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसे गाइस दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से आपको ऐड करना है ये विगनेट का पीएनजी, एंड इसको ऐड करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको इसे फुल स्क्रीन करके आपको सिंपली यहाँ पे रख देना है, एंड कुछ स्टेप्स ऐड हो जाएगा। तो गाइस आपको ये देखो मैं ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, तो क्या देखिए गाइस कितना गजब लग रहा है। तो अब इसको हम यहाँ पर डन कर लेते हैं। अब गाइस इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है गाइस, अब यहाँ पे आपको इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, क्योंकि गाइस इसको सेव करके अब हम लाइट रूम में इसकी रिटचिंग करेंगे। एंड गाइस बिना रिटच के तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो इसको हम लेके चलते हैं ऐसे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको यहाँ पर सेव कर लेंगे, एंड सेव करके हम इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे लाइट रूम ऐप में। तो गाइस यहाँ पे लाइट रूम ऐप में मैंने फोटो को पहले से ऐड कर रखा है, तो आप लोग ऐड कर लेना। फिर आपको जाना इस लाइट वाला ऑप्शन में, आपको उसका जो कॉन्ट्रास्ट आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो इसका हाईलाइट होगा गाइस आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड जो गाइस शेडो होगी गाइस इसकी आपको गाइस इसको थोड़ा सा कम कर देना है। फिर गाइस आपको जो व्हाइट है इसको गाइस आपको थोड़ा कम कर देना है, जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर गाइस आपको जाना है कलर्स वाला ऑप्शन में, आपको उसकी जो वाइब्रेशन होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड गाइस थोड़ा टेम्परेचर को उसको कम कर देना ताकि ब्लू टोन आ जाए फोटो में। फिर गाइस कलर मिक्स में जाकर ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, आपको उसका सैचुरेशन माइनस कर देना है थोड़ा सा, एंड जो ल्यूमिनस होगा थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर गाइस आपको क्या करना है यहाँ पे, अब गाइस यहाँ पे जाना है आपको येलो कलर में, इसका आपको ह्यूज चेंज करना है ताकि आपको जो फेस का कलर है वो गाइस ऑरेंज टोन में आ जाए। फिर गाइस डार्क ब्लू में जाकर आपको उसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड गाइस ये स्काई ब्लू को लेकर इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड कर देना है डन। फिर गाइस आपको जाना कलर्स के नीचे वाला टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपको उसको बढ़ा देना है, जो फोटो में विग्नेट होगा वो डाल देना है, एंड नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जाना नीचे वाला टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस नोड रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है, एंड नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो रिजल्ट आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।